शासन की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड 19 का प्रभाव पूरे देश में, वहीं रीवा जिले में भी कोविड 19 के मरीज लगातार आ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक बंद करने के आदेश पारित हुए थे, जिसका पालन न करते हुए रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, जिसके चलते अराजक तत्वों का जमावड़ा भी दिखता है और लूटपाट एवं मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रायः देर रात तक चाय एवं पान की खुली घुमटियों में इस प्रकार का जमावड़ा देखा जा रहा था, जिसके बाद आनंद फानंद में रीवा जोन के आई जी उमेश जोगा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी कुमार वर्मा, सीएसपी एसएस बघेल, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा सहित सभी थाना प्रभारियों की अति आवश्यक बैठक बुलाई और थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। इस दौरान आईजी ने बताया कि जब मैं पूर्व में जिले का एसपी था तो शहर में हाका अभियान चलता था, जिसके चलते अपराधी शाम ढलते ही अपने घरों में घुस जाते थे, लेकिन इस समय कोविड 19 के बाद भी लोग रात भर घूमते मिलते हैं, जिसके बाद विगत शाम सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में दुकान बंद कराने एवं लोगों को हिदायत देते दिखे। वहीं शहर के विभिन्न पॉइंटों पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। प्रस्तुत एक जल की एवं एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार हाँ का अभियान चालू किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे कार्रवाई की जा रही है? कल हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा अपने कार्यालय में हमारे डीआई सर, एसपी सर, मैं, हमारे सीएसपी साहब, साथ में शहर के थाना प्रभारी साहब मौजूद थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया, साथ ही निर्देश दिए गए कि शहर में थोड़ा सा सख्ती की आवश्यकता और अधिक है, जिससे जो बाजार बंद होने के बाद जो मनचले लड़के और आवारा तत्व जो बाजार में कहीं चाय टपरी की दुकानों पे, अंडे के ठेलों के आसपास या ऐसी सुनसान स्थानों पर बैठ के नशे आदि करते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए अभियान चला के। उसी तारतम्य में कल शहर के सभी थाना प्रभारी सीएसपी के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई, साथ में मैं और हमारे पुलिस कप्तान साहब, उनको लगातार चेक किया गया, उनके लोकेशन लिए गए, साथ में उनको आवश्यक हिदायतें भी दी गई मौके पर पहुँच के कि किस तरह से कार्रवाई की जानी है। इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग जो आवारा हैं, बिना मतलब में, बिना कारणों के शहर में कोने कोने में चाय पान की टपरियों के आसपास या अंडे के ठेलों के आसपास उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त रहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सामान्य जनमानस से अनुरोध है कि वो इस कार्रवाई में सहयोग करें लगातार, जिससे उनका शहर इन आवारा तत्वों से सुरक्षित रह सके।